नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका सेल्स कोच। दोस्तों, सेल्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और इन वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड टू डू योर प्रोफेशन ऑफ सेलिंग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम। इफ यू आर रेडी टू मूव फर्दर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ सेल्स, कम ऑन, लेट्स गेट इनटू दिस वंडरफुल वर्ल्ड कॉल्ड सेल्स। So now we take it further. My third step is the sales process. Okay. What did I do till now? I work towards maximizing my suspects and prospects. Then through good lead magnet, I work towards maximizing my leads and demos. This is what we have done till now. Now we have to look at the third element, which is of course the most important element, that is the sales process. क्योंकि इतनी मेहनत करके हम मुर्गा को ले आए और मुर्गा को हलाल नहीं कर पाए तो क्या मतलब है, राइट? सो सेल्स प्रोसेस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर एबल टू कन्वर्ट द लीड इनटू बिजनेस, करेक्ट? व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस दैट यू फॉलो? डू यू फॉलो एनी सेल्स प्रोसेस इज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू। बिकॉज जनरली व्हाट आई हैव सीन इज देयर इज नो प्रोसेस, हकेल पट्टी करेगा, जो सामने मिल गया उसकी प्रोसेस चला गया। तो अगर मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया तो रिसेप्शनिस्ट के हाथ में मिला तो उसको जो समझता उसने वो कर दिया, आप मिल गए तो आपको जो समझता आपने कर दिया, यू नो, सेम समथिंग सिमिलर हैपेंस। सो इज देयर एनी प्रोसेस? बिकॉज सेल्स इज अ मैड जर्नी, बट इन दिस मैड जर्नी देयर हैज टू बी अ मेथड। विदाउट अ मेथड दिस मैड जर्नी बिकम्स रियली मैड। सो व्हाट इज द प्रोसेस यू फॉलो? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जब लीड मिलता है तो लीड को क्या प्रोसेस से फॉलो करते हो? स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेप नंबर थ्री क्या है? डू यू हैव एनी माइलस्टोन डिफाइंड? डू यू हैव एनी सेट प्रोसेस डिफाइंड? लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो एट मैरीन, यू आर आल्सो फ्रॉम मैरीन, राइट? सो एक लीड आता आपको, सपोज आया लीड, तो क्या करते हैं आप उसको? सबसे पहले क्या करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं। I think all of you should appreciate this, that time is changing continuously and change is permanent. So every client is new, even if he is an old client, there is an alpha change in him every time, every moment he comes. Kuch na kuch uske hekri, uske pentre, uske discussion, uske requirement badalte rehti hai. Okay, waise to hamesha karna hai. So what you are saying ki pehle baar aate hain to aap unki KYC karao. ओके, मैं आपकी बात लेके चल रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो एट मैरिन आप पहले केवाईसी कर लो, ठीक है? सब जो केवाईसी हो गया, अर्जुन का है, फिर क्या? आरएफक्यू मींस रिक्वेस्ट फॉर क्वांटिटी। तो आफ्टर केवाईसी यू विल इशू योर, ही विल इशू हिज आरएफक्यू। तो मतलब सेल हो गया, आरएफक्यू निकलने के पहले मतलब सेल हो गया। तो प्रोसेस किधर है फिर? यू हैव डन केवाईसी, देन इन रिस्पांस टू केवाईसी ही हैज गिवन यू आरएफक्यू, मींस रिक्वेस्ट फॉर क्वांटिटी, एंड देन आफ्टर आरएफक्यू यू गिव योर कोटेशन, एम आई राइट? देन आफ्टर दैट ही आस्क फॉर डिस्काउंट। सो देन यू गेट योर ऑर्डर कंफर्मेशन and then you supply. So this is the sales order processing cycle, but this is not the sales cycle, because between KYC and RFQ there is a lot of jamela, and that is what we are trying to understand. ये तो सब clerical काम है, बात की ये इधर थोड़ा zoom in करो, इधर का process क्या है? Let me ask you, so a lead comes to you, what is the process you follow? Sir, I don't go with the KYC first.
I don't follow actually this standard procedures. I keep my customer as my girlfriend. पहले तो मैं उसको पटाऊंगा, पहले तो मैं उसको फ्रेंडशिप बढ़ाऊंगा, स्टोरी थोड़ा सा जैसे आपने लास्ट टाइम सिखाया था उसको स्टोरी बताऊंगा, उसको कम्फर्ट लेवल पर लेकर आऊंगा, क्योंकि क्या है कि जब तक उसको कम्फर्ट लेवल पर लेकर उसकी अकड़ लगी देन आई स्टार्ट लीडिंग इनटू क्वेश्चनिंग फ्यू थिंग्स एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है एंड So let me understand you. Yes. So lead comes to you, then you start romancing with the lead. Yes. And in the process of romancing with the lead, you try to create a rapport. Yes. Okay. After creating rapport, then I do pattern. Exactly what you are saying. But yahan pe you do need analysis. Yes. Okay. Then. But again, the same process. I see you also potential here. भले ही वो अभी मुझे ये मांग रहा है बट होलिस्टिकली एक्चुअली वो उसको उससे मैं क्या ले सकता हूँ वो चीज़ इट अल्सो एब्सोल्युटली ठीक है अभी अगर नाखून मांग रहा है ना तो फिर देख लेते हैं उसका किडनी है कि नहीं हार्ट है कि नहीं कभी लगेगा तो वो भी काट लेंगे जी ओके ओके सो यू डू अ केवाईसी देन आफ्टर दैट सर व्हेन स्पीक अबाउट पर्टिकुलर स्किल्स फॉर सेल्स प्रोसेस एग्जैक्टली उसको क्या रिक्वायरमेंट है तो आई ट्राई टू गिव हिम सम डिफरेंशिएशन ऑन माय प्रोडक्ट्स फर्स्ट जो जब तक वो मेरे प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं करेगा कॉन्फिडेंस नहीं करेगा वो आगे बात नहीं लेके जाएगा क्वांटिटी बात करता है उस टाइम पे सो आई वांट योर कॉन्फिडेंस सो यू ट्राई टू क्रिएट गिव अ ट्रायल सैंपल और समथिंग वो तो वो स्टार लेटर स्टेज है लेटर स्टेज ओके आई वांट टू एक्चुअली थिंक कि ये जो प्रोडक्ट है मतलब दिस समथिंग डिफरेंशिएटिंग जैसे ऑर्डर्स की स्ट्रेटजी देती हूं आई ट्राई टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सो यूएसपी को एस्टैब्लिश करते हो ठीक है फिर उसके बाद में फिर कंपनी का ब्रांड बेच आता है Not only का brand image, like not only about products, but about the entire group or entire company. वो सब तो देखने के बाद ही lead बना है ना? नहीं sir, वो अगर तुम्हारी image बेकार है, तो lead ही नहीं आएगी. There are so many points he doesn't know about my brand. Okay. So that actually I try to see कि not only about products, but also this is the way he works. Now you also work at Merit. You're also working at Merit, right? Do you follow the same process, or you have your own process? नहीं सर एक्चुअली मैं पहले सबसे पहले चेक करूंगा उसको रीड आने के बाद कि वो सबसे पहले मटेरियल कहाँ से खरीद रहा है कोई कहाँ से मीन्स कितने कॉस्ट में खरीद रहा है उसके बाद फिर उसको उसकी केवाईसी करूंगा देन फिर अपना कोटेशन दूंगा ठीक है तो एक बात तो तय है कि हर एक आदमी अपने विवेक के हिसाब से काम कर रहा है जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय नॉट हैविंग अ प्रोसेस So if I am working in many, whether it is him or you or she or her or him, everyone has to follow the same process. Then we say that yes, this is a process driven company. You are working which company? Actually, I have both B2C. Actually, I am owning a company. So I work B2B also B2C. Hey, what is your business? It's in spices. Spices aap export karte ho? Not export, we give it to companies. By what name? It's the B2B is Prabhu Group and B2C is Dilhar. Digra. Dilhar. Yes. Dilkohara. Yeah, it's not here, it's in Chhattisgarh. Okay, great. All this time I was confusing that you're also from Manin. So I didn't know that you're different. Anyway, so what is the process that you follow? Because you're into a distribution game. So in distribution, again, the process is different. You're doing a B2B business. Where you are dealing with resellers, distributors and retailers. Is there a process? देखिए process रहे या ना रहे काम तो हो रहा है बट काम कैसा हो रहा है हर आदमी अपनी अपनी प्रोसेस बना के कर ले सो द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट फिक्स है कि माल बनेगा और माल के पैसे आएंगे बीच में क्या हो रहा है हर आदमी अपने अपने विवेक से कर रहा है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इफ यू डू इट लाइक दैट देन यू कैन नॉट टेक सेल्स टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज व्हाट हैपेंस इज प्रैक्टिकली अगर आपके टीम में 5 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो अपने दिमाग से काम करो सेल्स को थोड़ा बढ़ाता है दूसरा आप सेल्स को थोड़ा घटा क्योंकि उसकी विवेक थोड़ी कम है तीसरा उसको इधर लेके जाता चौथा उसको इधर लेके जाता फाइनली एंड रिजल्ट सेल्स उधर ही रहता यू गेट माय पॉइंट बट इफ देयर इज अ प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट एवरीवन विल टेक सेल्स लाइक दिस एवरीवन ऑल 4-5 विल टेक सेल्स लाइक दिस Then the end result is sales will move like this. You get my point? Now these are the 5 steps which are recommended in your process. अब हर एक कंपनी की अपनी प्रोसेस होगी and that process cannot be discussed here because one to one बैठ के वो बनाना पड़ेगा. लेकिन generically, holistically, your sales process should have these 5 steps.
फर्स्ट स्टेप इज अ थॉरो रिसर्च. आप उसको केवाईसी कह लो या आप उसको नीड एनालिसिस कह लो. सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर फुल्ली आई विल नॉट प्रोसीड अहेड. नाउ देयर हैज टू बी मैथमेटिकल पैरामीटर टू अंडरस्टैंड फुल्ली, क्योंकि अंडरस्टैंड फुल्ली इज अगेन अ वेरी जजमेंटल थिंग, है ना. तूने कौन से चार चीज पूछा तो मैं समझूंगा कि तू फुल्ली अंडरस्टैंड किया कि नहीं. वी नीड टू टेबलटाइज इट, ओके, क्योंकि वी डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू जजमेंट. सो थॉरो रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप. अडैप्टिंग टू बायर स्टाइल, जो आप बोल रहे हो रैपोर्ट बिल्डिंग, रोमांसिंग, प्रोबेबली यू आर डूइंग दिस, यू आर ट्राइंग टू अडैप्ट टू द बायर स्टाइल. सो बायर के बारे में मुझे दो चीज समझना जरूरी है. एक, उसकी नीड क्या है. दूसरा, उसकी स्टाइल क्या है, मुझे उसका बिहेवियर क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है. देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, स्ट्रेटजिक क्वेश्चनिंग. सो एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी नीड टू हैव दैट, दीज आर द 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस व्हिच आई मस्ट हैव एन आंसर बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड. एंड देन रिकमेंडेशन, ऑन व्हाट बेसिस क्या दलील दोगे कि उसने खरीदना चाहिए आपका सामान. सो दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. And fifth part of the process is follow-up. In case the order is not closed, follow-up. So broadly, these are the five steps which must be there in every good sales process. So now you have to go and ask yourself, do I have these five steps in my process? So for example, अगर एक example लेते हैं, a maximus, तुम software वाले हो, तो तुम्हारे sales process में कौन से strategic questions हैं जो process में set किया हुआ है कि ये मेरे ग्राहक को पूछूंगा ही पूछूंगा. What are the strategic questions? I'm using the word strategic questions. I'm not using the word questions. What is the difference between strategy and planning? In digression later on, what is the difference between strategy and planning? Strategy is a policy. Mm-hmm. Planning is the actual or the practical steps you have to achieve your goal. So day by day steps या जो आप अपने जो है juniors को staff में instruct करोगे कि जो आपने overall SOP. Strategy is basically your roots things you have learning here and you have actually decided to do. Planning is to how you now have to achieve that thing. Before achieving, it comes to planning. It's like when you are jungle bazaar, you have a lamp. So, how do you go to the strategy? And the lamp is actually planning. Okay. I'm going to ask you a question, but I'm going to ask you something. लावन को मारना है तो उसके नाभि में मारो. दिस इज द स्ट्रेटेजिक इनपुट. दिस इज स्ट्रेटेजिक इनपुट. इट इज नथिंग टू डू विद योर ब्रेवरी, नथिंग टू डू विद हाउ स्ट्रांग यू आर. इट्स अ स्ट्रेटेजिक इनपुट. एंड समवन हु हैज अ स्ट्रेटेजिक इनपुट इज ओनली एलिजिबल फॉर स्ट्रेटेजी मेकिंग. सो एनी प्लान और एनी वर्क फ्लो और एनी डिसीजन दैट यू डू बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन सी इज अ प्लान. Whether it's a long-term plan, short-term plan, but anything that you decide not on the basis of what your eyes can see, but what you are able to deduce from the system. Through your mental intelligence, through your strategic intelligence, through your insight into the company, is what I call strategy. Lesson, when I have an example here, is SUNY mein ambulance wale hai, ye kabhi planning ke through aap nahin pahunch sakte. क्योंकि ये लॉजिक आपको नहीं बताएगा, ये स्ट्रेटेजिक इनपुट के थ्रू ही आप पहुंच सकते हैं. आर वी गेटिंग द क्वेश्चन. सो व्हाट आई आस्क्ड यू सोहेल, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस. सो इफ आई वाज क्वेश्चनिंग रावण ऑन किलिंग हिम एंड आई वुड हैव आस्क्ड हिम दैट किधर से मारूं, देखो किधर तेरी जान बचती है, तो वो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन होगा. बट अगर उसको मारू, अगर उसको मैं ये पूछू कि वुड यू गेट किल्ड बाय एन एरो और वुड यू गेट किल्ड बाय अ टॉप और डू यू नीड अ बॉम्ब का गोला एंड सब लाइक दैट, दीस आर जस्ट क्वेश्चन, दीस आर नॉट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन. आर यू एबल टू डिफरेंशिएट.
So strategic questions are key questions which actually leads your customer towards the differentiator that you have to offer. So mera USP agar hai, suppose as a software developer, if my USP is I stick to time. Suppose this is my USP ki maine ek mahina bola to ek mahine mein software banata hu. So iska strategic question kya rahega? How important is time adherence to you for your software project? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बोले वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑटोमेटिकली मेरा यूएसपी सामने निकल के आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन योर मैनेजिंग थिंग, सो सपोज योर यूएसपी इज गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ओके, सो माय स्ट्रेटजी क्वेश्चन विल बी दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज दैट योर पिस्टन शुड लास्ट फॉर 3 इयर्स, नोइंग दैट ऑल अदर पिस्टन लास्ट फॉर 2 इयर्स एंड यू नो दैट योर पिस्टन विल लास्ट फॉर 3 इयर्स. So your strategic question is how important it is for you. वो बोलेगा very important. So okay, very important. But how much more are you ready to pay for it? वो बोलेगा nothing. Well, okay, no problem. But if you don't have a good material, then does it affect your other pinions? And what is the cost of those pinions which get affected by a wrong piston? Those are strategic questions. And as part of my sales process, I need to build strategic questions. बिकॉज इसके जवाब देने के चक्कर में अपने आप ग्राहक मेरे तरफ पलटता चाहता है, और जितना मेरी तरफ पलटेगा उतना मेरे घेरे में आएगा. एग्री? कभी कभी मेरी भाषा ऐसी हो जाती है कि लगता है कि हम पे नेगेटिव काम तो नहीं कर रहे. नो, बिल्कुल नॉट नेगेटिव काम कर रहे हैं. घेरे में आने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अपने गुलाम बना रहे, बट यस, इज इन माई कंट्रोल, इज फुली इन माई कंट्रोल. एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टेप इज वॉट part of your process suggests that how will you recommend. After explaining everything, what are your recommending points, which is what I call the financial benefit that you are able to give to your customer, that come to my hospital, you will ensure that you don't have to come twice. Ek bar aao, kaam khatam karke jao, bar bar aane ki zarurat nahi hai. This is a kind of recommendation statement, right? So what we are talking here is that you have to design a sales process. ये तो मैं अभी आपको theoretically बता रहा हूँ कि sales process होना चाहिए, क्योंकि अगर sales मुझे बढ़ाना है तो मैंने मेहनत करके leads बढ़ा दिए, suspect अच्छे किए, leads बढ़ा दिए. अब leads आने के बाद उसको हलाल करना नहीं आता, या my closing ratio is poor, then again my sales will go down, right? So we are talking that each one of you sitting here must have a pre-designed sales process. अब सेल्स प्रोसेस के ये पांच पार्ट हैं. इन पांचों पार्ट के कुछ न्यूमेरिक मापदंड होने चाहिए, बिकॉज इफ यू कैन नॉट मेजर इट देन इट बिकम्स जजमेंटल, एंड जजमेंटल्स डोंट लीड यू एनीवेयर. सो यू नीड टू मेजर एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अब इस पूरे प्रोसेस में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पांच स्टेप्स हैं प्रोसेस के, और इन पांच स्टेप के बीच में आपको ये चार चीजें लगेंगी. How do you pitch? आपका सेल्स पिच क्या है, आपका सेल्स सॉल्यूशन क्या है, आपकी सेल्स बिलीफ क्या है, और आपका सेल्स क्लोजिंग क्या है. तो इन चारों पार्ट ऑफ द प्रोसेस में आपको मास्टरी करनी है, और इन पांचों स्टेप्स को अपने प्रोसेस में समावेश करना. द मोमेंट यू आर एबल टू इंटीग्रेट दीज 5 स्टेप्स इन टू अवर प्रोसेस एंड क्रिएट दीज 4 थिंग्स इन टू अवर वर्क. So let's quickly, we have 10 minutes with us, let's quickly understand what is a good sales pitch. Is it a very smart statement, अच्छी अंग्रेजी में बोला हुआ, जैसे ISO वाले लिख के टांग देते ऊपर में, देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी एम्प्लॉय को पूछो तो समझते हैं उसको. So is it that? Or what is a good sales pitch? What is the element of a good sales pitch? Suppose we take a sales pitch. So sir, जैसे मान लीजिए आप अपने हॉस्पिटल का कहीं पिच कर रहे हैं. सपोज आप WCL के HR जनरल मैनेजर HR के पास बैठे और बातचीत चल रही है, आप एक पैनल में निकले गए और आपको अपने हॉस्पिटल को पिच करना है. तो व्हाट इज योर पिच? क्योंकि वहां पे पूरा एक पैराग्राफ तो बोलने मिलेगा नहीं, और सब पूछेगा हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या आपका हॉस्पिटल में क्या है. अपनी इच्छा तो होगी कि यार कम से कम मेरे को 5 मिनट दे, मैं बताऊंगा पूरी, बट 5 मिनट भी लेंगे नहीं, हमको एक सेंटेंस में पिच करना है, राइट? सिमिलरली मैंने you are talking to a new customer and he says, okay, I have on your website and I know what you do, but okay, let's hear it from you. What is special about Marriott? What is your pitch? Built to last. Built to last.
Okay. So if that is your pitch, then that's a very product-centric pitch. Pitch has to be very concept-centric. It should not be product-centric. A good pitch, sales pitch, अपन इन चारों के एक एक पर बात कर रहे हैं. A good sales pitch has to be concept-centric, not product-centric. So what is concept? जैसे कि आपने बोला मेरा माल इतना अच्छा है कि बहुत लंबा चले, ये तो प्रोडक्ट के बारे में बात हो, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑन विच मैरिज इज बिल्ड? कॉन्सेप्ट इज व्हाट? हां वही तो समझा रहा हूं. हर आदमी के धंधे के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है. अब डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल चलाते हैं तो इट इज नेचुरल कि हॉस्पिटल में मरीज आएंगे, मरीज का उपचार होगा, उनको दवा मिलेगा और वो चले जाएंगे घर. कुछ ठीक होके जाएंगे, कुछ ठीक होके नहीं जाएंगे, कुछ खुश रहेंगे, कुछ रोएंगे. ये तो प्रोडक्ट है. अभी प्रोडक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज डॉक्टर साहब टेक्स अ पोजीशन दैट एथिकल प्रैक्टिस, सपोज. सो एथिकल प्रैक्टिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ गुड हॉस्पिटल. सो देयर इज वन हॉस्पिटल व्हिच विल से दैट वी आर इनटू लैप्रोस्कोपी, वी आर इनटू गायनेकोलॉजी, वी आर इनटू कार्डियोलॉजी, वी आर गॉट अ फार्मेसी, वी आर गॉट दिस, वी आर गॉट दैट. एंड देयर इज अनदर हॉस्पिटल विल से दैट we provide you end-to-end medical solution with ethical practice. So ethical practice is a concept which has to be concept driven, which should not be product driven. So suppose you are a marine parts company and you are into a B2B business. So your concept should be how many times you can turn around the money of the business part. Dekhiye aapke saath jo dhanda kar raha hai wo ek distributor. डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मतलब है तेरे प्रोडक्ट में कितना सोना भरा हुआ? डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मतलब है? मैंने 10 लाख का माल तुमसे खरीदा तो 10 लाख का माल कितनी जल्दी टर्न अराउंड होगा? यानी सिंधी भाषा में बोले तो एक साल में कितना बार घूमता पैसा? आप सिंधी हो सर, तो आप इस बात को समझ रहे हो. सिंधी तो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस. कुछ भी धंधे की बात उनसे करो वो सुनते रहेंगे. उनके माइंड में एक ही चीज चलता है कितने बार घूमेंगे, क्योंकि जितना बार घूमेगा उतनी बार मेरी आमदनी होगी. सपोज मैंने 10 लाख का माल खरीदा और मुझे आप 20% की मार्जिन दे रहे हैं, तो जितने बार 10 लाख का माल लिक्विडेट होगा मुझे 20,000 रुपए मिले. सिंस आई एम अ बिजनेसमैन आई वांट दैट इट शुड रोटेट 6 टाइम्स, सो आई विल गेट 1,20,000. सो इफ आई एम इन योर पोजीशन माय कांसेप्ट इज कि सर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, हां जी, तो सर आप ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, हां जी, ओके गुड. तो आप किसी कंपनी पे अपना पैसा लगाते हो तो कितने बार घुमाते हो उसको साल में? तो कुछ बोलेगा 2-3 बार 4 बार, ये बोलेगा नहीं आप बताइए. तो आप बोलो सर हमारे साथ धंधा करोगे साल में 5 बार पैसे घुमा के दूंगा, 6 बार पैसे घुमा के दूंगा. ये कॉन्सेप्ट है. अभी मैंने ये बात किया नहीं कि मेरा कौन सा सोना लगा रहा, कि हीरे जवाहरात लगा रहा हूं, कि कौन सी प्रोडक्ट ला रहा हूं और कहां से ला रहा हूं, कैसे ला रहा हूं. क्यों? क्योंकि वो धंधे वाला उसको कॉन्सेप्ट समझ. बिकॉज अगर पैसा घूम रहा है तो बाकी सब चीज भी हो रहा है, माल भी अच्छा है, माल की सर्विस अच्छी है, तो इट इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट. एग्री? डू यू एग्री? हेलो. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ बी2बी सेलर, ऑलवेज एंटर हिज हार्ट थ्रू बिजनेस एंड नॉट थ्रू प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट इज अ मींस टू द एंड. इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. हाँ जी, टेलर मेड, टेलर मेड. तो पिच हैज टू बी टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. बट बी टू बी प्रोफाइल के लिए एक है, बी टू सी प्रोफाइल के लिए एक है ना. सपोज आप बी टू सी काम कर, तो बी टू सी काम के लिए वी विल नॉट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, अगेन वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस. सो देयर इज अ गोल्डन सेइंग इन सेल्स दैट डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, ऑलवेज ट्राई टू सेल द प्रॉब्लम दैट योर प्रोडक्ट सॉल्व्स. So someone who tries to sell a product is a stupid salesman. Someone who is trying to sell the problem that your product solves is a good salesman. So agar mujhe masala ka B2C ka sales pitch marna hai, to I am not going to say ki ye mirchi bahut achhi hai. I am not going to say about the mirchi, I am going to say about the tikha part. So problem that my mirchi is solving is the tikha part. Agree? So the pitch has to be built through concept. So यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि pitch को कभी भी product centric मत रखिए, उसको concept centric रखिए. Solution should always be something which can be exhibited.
थ्योरिटिकल सॉल्यूशंस डू नॉट हैव एनी वैल्यू, है ना? अगर अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं मेरा हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरा है, माय हाउसकीपिंग इज वेरी गुड, आई फॉलो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आईएसओ, डजंट हिट मी. बट इफ आई क्विकली शो अ वीडियो दैट दिस इज अ वॉक थ्रू थ्रू माय हॉस्पिटल एट 12 o'clock दिस आफ्टरनून, उधर घड़ी भी दिख रहा है, तो सामने वालों को समझता है. हाँ, झूठ यहां भी बोल सकते हैं, झूठ वहां भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से दिस इज मोर बिलीवेबल, राइट? द बिलीफ नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई डिबेट कर सकता है कि ये तो झूठ हो जाएगा सर. मैं बोला झूठ होने के लिए कहीं भी हो सकता है, बट हम उस तरफ से नहीं आ रहे कि झूठ बोलना, हम प्रोसेस के हिसाब से चल रहे कि इफ आई कैन एग्जिबिट माय सॉल्यूशन इट इज बिलीव्ड, इफ आई कैन इफ आई एम जस्ट टेलिंग माय सॉल्यूशन नो वन बिलीव्स इट. You know, I always tell it in my training program that भगवान ने सेल्समैन को पैदा किया तो उसको बहुत सारी पावर देके पैदा किया, लेकिन उसको एक बद्दुआ दिए, बद्दुआ ऐसे ठप्पा मार दिया उसके सर पे, और ठप्पे पे लिखा है डोंट ट्रस्ट इन इज अ सेल्समैन. तो हमारे जात के लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं करता, देखो भगवान ने ठप्पा मार दिया, डोंट ट्रस्ट इन, राइट? सो आई शुड ऑलवेज क्रिएट अ सॉल्यूशन व्हिच कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड, व्हिच कैन बी एग्जिबिटेड. If I am only doing ball vachan, then no one is going to listen to me. I am not going to get through anywhere at all. Right? And then the last point is the closing. What is the closing in your sales process? How do you follow the closing in your sales process? So my question here is, what is the right time to close? Because I am telling you about the product, the solution, everything is going on, the work is going on, I am telling you well, I am listening well. और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो मुझे सुन रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है कि मैं उसको बता रहा हूँ, पर ये कहानी खत्म किधर होगी? What is the right time to ask for an order? और कुछ लोगों में बोलता हूँ मुझे सर जब मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर बहुत कन्विंस हो गया तो मैं ऑर्डर मांगता हूँ, तो मैं काउंटर क्वेश्चन ये पूछता हूँ तेरे को कैसा लगता है कस्टमर कन्विंस, कस्टमर के कान के साइज बड़े हो जाते हैं दिखता तेरे को, या उसके आंख छोटे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हाउ डू यू नो दैट कस्टमर इज कन्विंस्ड? ही इज आस्किंग मोर क्वेश्चंस. Okay, so he is asking questions, that means he is inquisitive. Interesting, fine. But sirf interested honne se close hoga kya? Kyunki early closing aur to gadbad hai, late closing aur to gadbad hai. We have to guide him for time. Barobar hai, perfect hai. But my question is very pinpointed. My question is that when do you ask for an order? So you are guiding him, he is being guided. You are guiding him, he is being guided. Doctor, what is the point at which you should ask your order? That is what I mean by the closing process. What is the right time to ask for an order? तो तुम भी तो धंधा कर रहे हो ना यार, तो ऑर्डर तो मांगते हो. But मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ कि what is the right time to ask for an order? When? आप प्रोसेस चालू कर रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, राइटिंग को बायस टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, ये सब रामकहानी चल रही है, इस रामकहानी के अंदर क्लोजिंग किधर है? सो मेनी अ टाइम देयर आर सेल्स पीपल हु अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट वेरी वेल, दे कीप ऑन फॉलोइंग अप, क्लोजिंग रेशियो बहुत पुअर रहती है उनको. इंटरव्यू लो तो पता चलता है सब कुछ अच्छा है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन साला धंधा नहीं करते. क्यों नहीं करते हैं? उसको ऑर्डर मांगने में शर्म आती है या उसको समझ में नहीं आता कब ऑर्डर मांगो. तो ऑर्डरिंग प्रोसेस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, एंड नॉर्मली वी से इट इज यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एबीसी व्हिच स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बी क्लोजिंग. तो देयर इज नो राइट टाइम टू आस्क फॉर एन ऑर्डर, एवरी टाइम इज आस्क टू आस्क फॉर एन ऑर्डर. सो एवरी टाइम यू एस्टैब्लिश अ बिलीफ, मतलब आपके प्रोडक्ट के कुछ यूएसपीज हैं, और हमने पहले बात किया है कि फीचर एडवांटेज बेनिफिट चार्ट बनाएंगे, फीचर की बात नहीं करेंगे, बेनिफिट की बात. एवरी टाइम यू एस्टैब्लिश अ बेनिफिट टू द कस्टमर, डू अ पार्ट क्लोजिंग. व्हाट इज पार्ट क्लोजिंग? पार्ट क्लोजिंग इज अ सेमी सॉफ्ट क्लोजिंग, यू आर नॉट हार्श ऑन इट, यू आर नॉट गिविंग, देना ही पड़ेगा, बट यू डू अ पार्ट क्लोजिंग. व्हाई वी डू अ पार्ट क्लोजिंग? बिकॉज सपोज मेरे प्रोडक्ट में तीन चार अच्छी चीज है, मैंने एक बताया, कस्टमर बोला हाँ बहुत अच्छा, आई डू अ सॉफ्ट क्लोजिंग.
अभी एक सेल्स मैंने बोलता हूँ मेरे और दो अच्छे पॉइंट है मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा मैं पूरी नहीं बताऊंगा, और वो अपना अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देता है। एक दूसरा सेल्समैन होता है, एक बताया ना मेरे को अच्छा लगा ना, चल पार्ट क्लोज, कस्टमर मे एग्री मे नॉट एग्री, नो प्रॉब्लम, द लॉ ऑफ क्लोजिंग सेज दैट 3 to 4 पार्ट क्लोजिंग विल लीड टू अ फाइनल क्लोजिंग, बट नो पार्ट क्लोजिंग विल नॉट लीड टू एनी क्लोजिंग। फिर भी धंधा होता है, कस्टमर खरीदता है, आप नहीं बेचते, सो लॉट ऑफ टाइम कस्टमर ही खुद खरीदता है, ठीक है दे रहे भाई राइट, बट मुझे बेचना है ना, कस्टमर का गुलाम मैं क्यों बनूं, मेरा गुलाम उसको बनना है। सो आई डू 3 to 4 पार्ट क्लोजिंग, दैट्स अ लॉ, इफ यू डू 3 पार्ट क्लोजिंग, आफ्टर 3 पार्ट क्लोजिंग आइदर द कस्टमर विल गो कि नहीं बाबा मेरे को नहीं परवरता, मेरे को नहीं पूरा था, आई डोंट वांट इट, और ही विल बाय राइट। सो वी हैव क्विकली डिस्कस पिचिंग सॉल्यूशन बिलीफ एंड क्लोजिंग, सो 2x आउटकम्स फ्रॉम अ सेल्स प्रोसेस, डबल हिट रेशियो, डबल डेमोज, डबल क्लोजर, अगर इन तीनों चीजों को हम डबल कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल्स डबल हो जाएगा। डबल हिट रेशियो विल कम आउट ऑफ बेटर क्लोजिंग, डबल डेमोज विल कम आउट ऑफ बेटर लीड्स, एंड डबल क्लोजर विल कम आउट ऑफ अ गुड सेल्स प्रोसेस। फाइन, सो व्हाट गिव्स सेल्स, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड टुडेस सेशन, दिस आर द थ्री थिंग्स दैट गिव्स अस सेल्स, एंड टू मैक्सिमाइज दोस थ्री थिंग्स, this is a sales journey which will take you to a 2x. ये PPT आप लोगों से share होगी, तो ये जो 6 steps हैं आप देख सकते हो, this is not essentially a part of today's program, but I've just incorporated here so that the next step you can understand better, right? And so that brings us towards an end for today's sales ki paathshala. What I want to tell you here is that after today's sales ki paathshala, which we have come to an end, now you check that, ask yourself these questions. Can I increase my suspect and prospect base by 2x? Ask yourself this question, and if the answer is no, then find out how to make it yes. Can I increase the number of lead base by 2x? And can I increase my closing ratio by 2x? In tino sawal ka jawab agar yes hoga, to nishchit roop se aapka send double hoga. In tino sawal ka jawab agar yes nahi ho raha hai, to kisi doctor ko sampark kijiye, medical doctor nahi. सेल्स डॉक्टर को, वो आपको बताएंगे कैसे ये डबल करना है, राइट? एंड इफ द आंसर इज यस, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी लीडिंग योर वे टू डबलिंग योर सेल्स। इफ द आंसर इज नो, देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस थिंग्स। दिस थ्री क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन यस टू एक्चुअली टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, ओके? सो गुड फ्रेंड्स, सो ऑन दैट काउंट थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेल्स की पाठशाला। बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, so that we can take it forward. Do you believe that sales can be doubled? I hope that all of you have liked this video. If you have, and if you feel that this video is going to help you in doing your business better, then please go down and subscribe to this channel. And give your honest comments, because you are a salesperson, I'm a sales coach. If I get your honest comments, I'll be able to do better. And don't forget to share this video with all your fellow salesmen in this world, so that together we make this world a much better place.